हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा अगलम की जय मानवासी। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलूँगी कि मैं वीडियो डिलीट कर दी। एक्चुअली क्या होता है, वो गलती से डिलीट हो गया। एक्चुअली कुछ और काम करने आया था, डिलीट हो गया था तो उसके लिए। और दूसरी बात, मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो प्रेस में किसी का नाम नहीं लेती हूँ, तो प्लीज़ कोई भी अपने पर पर्सनली मत लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर ही बन रही है, हम किसी और पर ही बना सकते हैं। हमारा बहुत सारा काम रहता है, कस्टमर्स का काम रहता है सबका। कितने भाई लोग काम कर रहे थे, वो लोग भी नाटक करते हैं। कितने लोग हैं, मैं दिमाग से लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे बहुत से लोग घूम रहे हैं, सही में चार चार आंखें पीछे हैं। और सच में ये पोल खुलने वाली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज रात को बहुत बड़ी पूजा होगी और कुछ लोगों का चेहरा मैं सामने लाने वाली, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सामने लाना, क्योंकि अच्छा बन के बहुत देख लिया और सबका काम भी हो गया, तो काम तो होना ही। और आज रात को जो मैंने मंत्र जप बोला है वो ज़रूर कीजिए, मंत्र जपना बहुत ज़रूरी है। आज रात तुलसी विवाह है, आज के रात के दिन आप जो भी विश मांगेंगे पूरी होगी, ज़्यादा नहीं तो गुरु मंत्र तो ज़रूर कीजिए रात को 12 बजे के पहले। और तुलसी के पेड़ के पास बैठ के अगर एकांत में आप करोगे ना तो आपका काम ज़रूर होगा। और मैं उन लोगों को भी यही बोलूँगी कि मेरे दिमाग तक मत आओ, क्योंकि गलती आपकी है। मुझे कभी कभी कोई बोलता है कि आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, क्या होगा। जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, उनके लिए हर बात का जवाब है मेरे पास। उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, क्यों बोलते हैं ऐसा, क्या हरकत किया है, मेरे पास हर एक बात का जवाब है। बस वो लोग सामने नहीं आ रहे ना मेरे, तो ये तरीका है मुझे उन तक जवाब देने का। मैं सोचती हूँ एक बार मेरे सामने आए, मैं 9 महीना प्रेग्नेंट होकर उनसे भिड़ने को तैयार हूँ, लेकिन वो साले हिजड़ों में हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आ सके। वो लोग ना ऐसे लोग जिन पे बल नहीं चलता ना, उन पे वार चलाएंगे, तो मुझे उन लोग को बराबर करना है। क्या बोलते थे, एक एक जन तो क्या बोलते थे, माँ का पल्लू पकड़ के चलता है, गांड में दम नहीं है कि बेगर पल्लू पकड़े आए। तो ठीक है ना, मैं हूँ ना पीछे, विद्या देवी है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। माँ का पल्लू पकड़ के चलने वाला हर बेटा निकम्मा वो नहीं होता, समझो कि अच्छी बात है। माँ का पल्लू पकड़ा है, तुम जैसा थोड़ी कि गली गली की भाभियों को दाना डालते, भाभियों का पल्लू पकड़ने का, कमाने धमाने का नहीं, एक एक भाभी लोग को पटाखे रखने का। सब जानती तुम लोग के बारे में, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ मत आना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में ही नहीं, मैंने ऑलरेडी 1-2-3 अर्जी डाल के रखी है कि यहाँ अगर कुछ भी कांड होता है तो ये सारे जिम्मेदार ये लोग रहेंगे। तुम करके तो देखो। और ऐसी भी रात को मैं जो करने जा रही हूँ, और 2 दिन बाद जो वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड करने जा रही हूँ, वो बहुत बड़ी होंगी। मेरे बंदे तुम्हारे साथ में ही हैं, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सब साथ में। हमारी पूजा भी चालू है, तुमको क्या लग रहा है, एक से एक पहुँची हंसती हैं, घोड़ा बाता चाकू बंदूक सब लेके घूम रहे हैं। तुमको तो ऐसे दिखेंगे, क्या फालतू कपड़े में खड़ा, लेकिन जब सामान निकलेगा ना फिनिश। मेरा एक ही चीज़ है, मेरे बीच में आने का नहीं, अपना खाओ कमाओ मस्त रहो। मेरे बीच में आओगे ऊपर का रास्ता पाओगे, सीधी बात है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। मेरी चीज़ पे नज़र डालोगे, तुम्हारी चीज़ें नज़र नहीं आएगी। तुम मेरी एक चीज़ पे नज़र डालोगे, मैं तुम्हारे पूरे खानदान पे नज़र डालूंगी, ये समझ जाना। घर में घुस के मारूंगी, एक बार घुसी हो 2-3 जन के घर में, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें कितनी बार बोली, तुम्हारी एक नज़र मुझ पर है, मेरी 4 नज़र तुम पे है। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा पी रहे हो, सब किसी की ज़िंदगी तुम लोग बर्बाद करते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी हम कैसे आबाद होने देंगे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, किसी की ज़िंदगी तुम बर्बाद करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे आबाद होने देंगे। तुमने कभी किसी का ना जन्मदिन मनाने दिया, ना मरण दिन मनाने दिया, तो हम तुम्हारा कैसे कुछ अच्छा होने देंगे। मैं तो तुम्हारी 13वीं भी अच्छे से ना होने दूँ सबकी, मैं तो इतनी बेकार हूँ, मैं तो लड़ चुकी हूँ, भिड़ चुकी हूँ। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, मारो या मर जाओ, कलंक हो कलंक हो सबके सब। तुम लोगों को रोटी खाने नहीं आती, किसी के घर में किसी के हाथ से निवाला खा के जो तुम लोगों ने बेईमानी की है ना, तो मैं तो वो नागिन हूँ जो डसूंगी तो मेरा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। मैं तो ये बेकार औरत हूँ, मेरे से जो अच्छे से रहेगा ना वो बहुत अच्छा पाएगा, लेकिन जो गलत कह रहा, मैं एक ही बात बोलूँ, सबके सब, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, अपना अपना जुर्म कबूल करो, जो किया कबूल करो। मैं घर की भी औरतों को बोल रही हूँ, कबूल कर लो। अगर मैंने सामने वीडियो अपलोड होने के बाद जो होगा फिर मुझे दोष मत देना, कान पकड़ो, सीधा सीधा कबूल करो, नहीं तो एक ही रास्ता है, कबूल करने से अच्छा धीरे से निकल जाओ, सबूत दे दो कि तुमने गलती किया। नहीं कबूल कर सकती हो तो धीरे से निकल जाओ, पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैंने सबूत दे दिया ना फिर मुझे बोलना नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ईगो पे बात आई है। मैं दूंगी सबूत, चाहे जो करूँगी, मैं बहुत मामले में जिद्दी, क्योंकि आज ये पता नहीं तुमको, शायद मेरे को माहिम दरगाह से फ़ोन आया था, मैंने माहिम दरगाह में भी नाम दे दिया है कि भाईजान ये बंदे के नाम से ज़रा पूजा करो, क्योंकि ये लोग मेरे बीच में अड़चन डाल रहे हैं। ये लोगों को समझा के कोई फ़ायदा नहीं, बोले ठीक है आपा आप शांत बैठे, और कल गुरुवार है, कल मैं वापस से जा,
मेरा पता है मेरा 9वां महीना पूरा हो चुका, कई बच्चा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी बाबा के पास कल अर्जी लगाने जाऊंगी, और जो तुम सबके बैंड बजाऊंगी वो तो ऊपर वाला जानता है। मैं कल जाऊंगी दरगाह में, कल गुरुवार है, मैं कल ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे और भी लोगों की अर्जी लगानी है, जितने लोगों का काम हुआ है, जितने लोगों का काम अड़चन डाला है, जितने लोग काम करने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बिंदास बहाना दे रही हूँ, मार दो मुझे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पूरे घर को कौन मारेगा वो देख लेना, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। अब मेरे को मरने मारने का डर ही नहीं रह गया है, मुझे बस अब तुमको तुम लोगों को सबक सिखाने का डर है। बस एक ही बात है, सरेंडर हो जाओ, जुर्म कबूल करो, बाद में मैं क्या करूँगी मुझे पता नहीं। मेरे को क्या मजाक लग रहा है, मैंने आज माहिम दरगाह उंझा हमारे 15 से 20 ग्रुप में हमने ये ना बताया है, नाम डाला है कि इन लोगों के नाम से इतर चढ़ाओ बाबा जी को, इन लोगों को छोड़ना नहीं, हमारा खा के हमारे सामने भौंकने वाला काम किया है ना, तुमसे अच्छी तो मेरे घर की स्वीटी है, कम से कम हमारे मेरे पैरों के पास आके बैठती मेरा झूठा खाती है, तुम लोग तो मेरे पैर के तलवे की मिट्टी खाने के लायक भी नहीं हो, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो जो बुराइयां मेरे घर में बैठ के की गई, जो जो किया गया मैं सबकी सजा दूंगी, मैं मजाक नहीं करूँ। बस आज रात की पूजा देखो, अभी भी मैं बोल रही, किसी को अगर शक्ति चाहिए, कोई भी पावरफुल चीज़ चाहिए, आज भी अभी भी मौका है, फ़ोन करके शक्तियाँ सिद्ध करा लो। आज की रात बहुत बड़ी रात है, उसके बाद ये रात आएगी नहीं, समझो ये रात आज की बहुत बड़ी रात है। आज की तारीख में सिर्फ मैं अकेले पूजे पे नहीं बैठे, हमारा पूरा 20 जन का ग्रुप पूजे पे बैठा है, देखो कैसे बैंड बजाता है, और आज की रात हमारे पूरे आदमी घूमेंगे, गली गली में घूमेंगे, कैसे घूमेंगे देखो, क्या करेंगे वो देखो, मज़ा देखो बस। जय माता दी।